नमस्कार, आप देख रहे हैं वीकी न्यूज और मैं दृष्टि उपाध्याय। हरियाणा के चरखी दादरी से बीजेपी के टिकट पर चुनाव लड़ने वाली अंतर्राष्ट्रीय पहलवान बबीता फोगाट लगातार सुर्खियों में। तबलीगी जमात पर ट्वीट कर धमकियों से न डरने वाली बबीता फोगाट ने एक और ट्वीट किया है। उन्होंने इस बार पालघर की घटना को लेकर उद्धव सरकार पर निशाना साधा है। 16 अप्रैल की रात महाराष्ट्र के पालघर में दो साधियों को एक ड्राइवर की निर्मम हत्या पर बबीता फोगाट ने 19 अप्रैल को आधी रात 1:12 पर एक ट्वीट किया, जिसमें उन्होंने लिखा कि महाराष्ट्र के पालघर में संतों की पीट पीट कर हत्या, वो भी पुलिस के सामने, उद्धव ठाकरे सरकार कहां सोई हुई है, शर्म आनी चाहिए, सारे दोषी कैमरे के सामने है, दोषियों को सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए। इस ट्वीट को लेकर बबीता ट्रोलर्स के निशाने पर आ गई। एक यूजर ने उनकी अधूरी जानकारी पर सवाल उठाते हुए ट्वीट किया कि आप पढ़ी लिखी हैं, पूरी जानकारी के बाद ही अपना मत जाहिर कीजिए। महाराष्ट्र पुलिस ने 100 से भी ज्यादा नागरिकों को उसी दिन गिरफ्तार किया है और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री श्री उद्धव जी ने इस घटना की कड़ी निंदा की है और सख्त कार्रवाई के आदेश दिए हैं। तो वही किसी ने लिखा कि सो जाओ मैडम, सब उसी दिन गिरफ्तार हो चुके हैं, आप विलंब से आई, आपके सीनियर लोग पहले ही पूरी कोशिश कर चुके हैं नफरत फैलाने की, पर क्या करें, मारने वाले मुसलमान नहीं निकले, चलिए कोई नहीं, बेटर लक नेक्स्ट टाइम। तो किसी ने लिखा कि मैडम, दोषियों को तो उद्धव सर की सरकार सख्त से सख्त सजा दे ही देगी, वो बिल्कुल ढिलाई नहीं बरतेगी, साथ ही नफरत फैलाने वालों को भी नहीं छोड़ेगी। तो किसी ने लिखा कि आप नींद में हैं, अभी भी अंधभक्त कार्रवाई उसी दिन हो चुकी है, 100 से ज्यादा लोग अरेस्ट हो चुके हैं। तो वहीं किसी ने लिखा कि 110 अपराधी गिरफ्तार करवाने के लिए हिंदू शेरनी का बहुत बहुत आभार, बाकी उद्धव ठाकरे हमारा अपना ही है और 40 साल से बीजेपी से गठबंधन रहा है, भरोसा रखना चाहिए कि न्याय करेगा। तो इस तरह से बबीता फोगाट को उद्धव पर निशाना साधना भारी पड़ गया, क्योंकि इस ट्वीट को करने में उन्होंने काफी देर कर दी। उन्होंने ये ट्वीट तब किया जब उद्धव सरकार सख्त एक्शन ले चुकी थी। इस मामले में पुलिस ने 19 अप्रैल तक 9 नाबालिग समेत 110 लोगों के खिलाफ FIR दर्ज कर ली थी। खैर, कुछ लोगों ने बबीता फोगाट का सपोर्ट भी किया। एक यूजर ने लिखा कि आज महाराष्ट्र में बाला साहेब की कमी खल रही है, वो अगर जिंदा होते तो साधुओं को मारना तो दूर कोई आंख उठाकर भी नहीं देख सकता था। तो एक दूसरे यूजर ने बबीता को सपोर्ट करते हुए लिखा कि संतों की हत्या पे कोई हल्ला नहीं, लेकिन कुछ देशद्रोहियों को पुलिस पीट दे तो ये धरती सर पे उठा लेते हैं, धिक्कार है ऐसे शिकंडियों पे। इस तरह से बबीता फोगाट का ये ट्वीट सोशल मीडिया पर बड़ी तेजी से वायरल हो रहा है। बबीता के इस ट्वीट पर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। देश और दुनिया की तमाम खबरों को पाने के लिए देखते रहिए वीके न्यूज। शुक्रिया।